हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल आरके मर्चेंट नेवी में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को कि अगर आप लोग अपना इंडियन सीडीसी अप्लाई किए हैं तो आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं कि आप लोगों का इंडियन सीडीसी अप्लाई हो गया है कि नहीं, और उसका स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं कि अभी अंडर प्रोसेस में चल रहा है या रिजेक्ट हो गया है या फिर अप्रूव्ड हो गया है। और अगर अप्रूव्ड हो गया है तो आप लोग उसको कैसे ट्रैक कर सकते हैं कि आप लोगों की सीडीसी कौन से पोस्ट ऑफिस तक पहुँची है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को अपने फ़ोन के मोजिला फायरफॉक्स को ओपन कर लेना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे गूगल का ऑप्शन आ रहा है, उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। गूगल पे क्लिक करने के बाद गूगल का पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। फिर गूगल के सर्च बार में फ्रेंड्स लिखना है आप लोगों को DG Shipping। जैसा कि देख पा रहे होंगे आप लोग स्क्रीन पर, मैं DG Shipping करके टाइप कर रहा हूँ। ऐसे ही टाइप करके आप लोगों को सर्च पर क्लिक कर देना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। फिर आप लोगों को स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। यहाँ नीचे सेकंड नंबर पे देखिए फ्रेंड्स, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग लिखा हुआ है, उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेगा, उसके बाद आप लोगों के सामने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग का पेज ओपन हो जाएगा। जैसा कि देख पा रहे होंगे आप लोग स्क्रीन पर, यहाँ पर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग का पेज ओपन हो गया है। जूम करके दिखा दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पे आना है फ्रेंड्स आप लोगों को, राइट साइड में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ई गवर्नेंस, उस पर क्लिक करना है। फिर फर्स्ट नंबर पे ई गवर्नेंस पे आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने यहाँ पे इंडोज नंबर और पासवर्ड फिल करने का ऑप्शन आएगा। जैसा कि देख पा रहे होंगे, यूजर आईडी में आप लोगों का इंडोज नंबर आएगा और आपका इंडोज नंबर का जो भी पासवर्ड है आप लोगों को यहाँ पर फिल कर देना है। जैसा कि देख पा रहे होंगे आप लोग स्क्रीन पर, मैं अपने एक फ्रेंड का इंडोज नंबर और पासवर्ड फिल करके आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। देखते हैं कब अप्लाई हुआ था और क्या स्टेटस है और कहां तक सीडीसी पहुंची है अभी। तो फ्रेंड्स यहां पे मैंने इंडोज नंबर फिल कर दिया और यहां पे मैंने पासवर्ड भी फिल कर दिया। पासवर्ड फिल करने के बाद फ्रेंड्स आप लोगों को लॉगिन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप लोगों का इंडोज प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। जैसा कि देख पा रहे होंगे आप लोग स्क्रीन पर, मेरे फ्रेंड का इंडोज प्रोफाइल ओपन हो गया है। जूम करके दिखा दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, देखिए आनंद कुमार नाम है। अब फ्रेंड्स आना है आप लोगों के यहाँ राइट साइड में CDC मैनेजमेंट एंड COCH कुक, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पर देखिए अदर्स का ऑप्शन है, आप लोगों को अदर्स पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों को पे फीस अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स एंड व्यू पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों का CDC स्टेटस यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड्स। देख सकते हैं यहाँ पे CDC 5 नवंबर 2022 को अप्लाई की गई थी। एप्लीकेशन नंबर देख सकते हैं, एप्लीकेशन टाइप देख सकते हैं यहाँ पे, ऑफिस अप्लाइड टू मुंबई, मुंबई से अप्लाई हुआ है, 700 रुपया फ़ीस लगा है, ई पेमेंट किया गया है फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन स्टेटस, एप्लीकेशन अप्रूव्ड बता रहा है, मतलब कि CDC बन चुकी है। और यहाँ पे देखिए डिस्पैचेड भी कर दिया गया है CDC को 18 नवंबर 2022 को, स्पीड पोस्ट किया गया है, स्पीड पोस्ट नंबर भी यहाँ पे शो कर रहा है फ्रेंड्स। इस नंबर को आप लोगों को नोट कर लेना है फ्रेंड्स ट्रैक करने के लिए। यहाँ पे देखिए 5 नवंबर 2022 को CDC अप्लाई हुई थी, 10 दिन बाद CDC अप्रूव्ड हो गया है। चलिए फ्रेंड्स अब आप लोगों को CDC ट्रैक करके दिखाते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को बैक आ जाना है और आप लोगों को अपने फ़ोन के गूगल ब्राउजर में या फिर क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। उसके बाद आप लोगों को गूगल के सर्च बार में टाइप करना है स्पीड पोस्ट। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, मैं स्पीड पोस्ट करके टाइप कर रहा हूँ। ऐसे ही आप लोगों को भी स्पीड पोस्ट टाइप करके सर्च पे क्लिक कर देना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए ट्रैक कंसिगमेंट का ऑप्शन शो कर रहा है, स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। देखिए यहाँ पे ट्रैक कंसिगमेंट का ऑप्शन है, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ट्रैक कंसिगमेंट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा फ्रेंड्स। जैसा कि देख पा रहे होंगे यहाँ पे ट्रैक कंसिगमेंट का ऑप्शन ओपन हो गया है। यहाँ पे आपको देखिए कंसिगमेंट नंबर फिल करना है, जो कि आपका स्पीड पोस्ट नंबर है वो यहाँ पर फिल करना है, जो कि मैंने बोला था कि आपको नोट कर लेना है। देखिए मैं यहाँ पर कंसिगमेंट नंबर फिल कर दिया हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे कैप्चा फिल कर लेना है, 7-2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे मैंने 5 नोट कर दिया। 5 फिल करने के बाद सर्च पे क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा फ्रेंड्स सर्चिंग करने में,
तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और ये वीडियो अपने फ्रेंड लोगों को भी शेयर करें जो कि इंडियन CDC अप्लाई कर दिए हैं या फिर अप्लाई करने वाले हैं, जिससे कि वो लोग भी अपने CDC का स्टेटस चेक कर सकें और उसे ट्रैक कर सकें। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अभी भी सर्चिंग कर रहा है, ये नेट स्लो होने की वजह से नहीं है, यहाँ पे इतना टाइम लगेगा ही लगेगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स ओपन हो गया है, और मैंने यहाँ पे स्पीड पोस्ट नंबर फिल किया था, ये वही ओपन हुआ है। अब स्क्रॉल करते हुए नीचे आते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं ये जहाँ जहाँ पे स्पीड पोस्ट से बैगेड हुआ है, फिर डिस्पैचेज हुआ है या फिर रिसीव्ड हुआ है, ये सारा डिटेल्स यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ नीचे से एक एक करके रीड करते हुए जाना है, जैसे कि देखिए यहाँ पे ये मुंबई में दादर में आइटम बुकड हुआ है, फिर दादर में आइटम बैगेड हुआ है, फिर आइटम डिस्पैचेज हुआ है दादर में, फिर दिल्ली में आइटम रिसीव्ड हुआ है, फिर दिल्ली में डिस्पैचेज हुआ है, फिर गुड़गांव में देख सकते हैं रिसीव्ड हुआ है, फिर गुड़गांव में बैगेड हुआ है। ये देख सकते हैं ऐसे ही जहाँ पे रिसीव्ड हुआ है, जहाँ से डिस्पैचेज हुआ है, सारा कुछ यहाँ पे शो कर रहा है। ऐसे आप लोग अपने CDC को ट्रैक कर सकते हैं। इस पेज का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा फ्रेंड्स, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट ट्रैक कन सेगमेंट के पेज पे आ सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को सारा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी और इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।